यहाँ पे पब्लिक आ रही है और अपनी हाट में भी अच्छी जनता थी और उम्मीद है कि सुबह शाम तक भी आसपास के जो जिले हैं, स्टेट हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे लाखों की तादाद में और बालाजी के दर्शन लाभ लेंगे। बालाजी की कृपा उन सभी लोगों पर बनी रहे जो यहाँ पे आ रहे हैं और दूर से भी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी कृपा हो। कितने लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे थे? 5 लाख के। क्या विशेषता है? जो भी मांगो या आपकी मांग पूरा करो। मेला व्यवस्था में गर्भगृह, रूट व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था पूरे में करीबन 350 अधिकारी कर्मचारी लगे हैं और हमारे यहाँ ये व्यवस्था रात को 2 बजे से ही लगा दी गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पे आके निरीक्षण कर रहे हैं और मैं और हमारा पूरा स्टाफ पूरी व्यवस्था में व्यवस्थित करने के लिए लगे हुए हैं और श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी गुंडे बदमाश या लुच्चे लफंगे उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। सरकार का जो मेला होता है यहाँ पर भीड़ जो है वो बड़ी मात्रा में आती है। काफ़ी श्रद्धालु जो है वो गुना शहर से और आसपास के शहरों से, बिहार से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और ये सुबह 2 बजे से ही व्यवस्था लगी हुई है। सुबह से 2 बजे से जो है वो लोगों का आना शुरू हो गया था और ये पूरे दिन भर चलेगी। इसके लिए जो है वो शहर में जितनी भी गलियाँ है, जो मेन अप्रोच मार्ग है उसको डाइवर्ट करते हुए बाईपास की तरफ से निकाला गया है, वहाँ पे पार्किंग वगैरह की व्यवस्था करी गई है। पूरा जो है लगभग 300 के आसपास जो है वो पुलिस बल तैनात है पूरा मंदिर से लेके डाइवर्टिंग की व्यवस्था तक और साथ ही साथ जो लोकल थाने का फोर्स है वो भी अलग अलग कार्यों में लगा हुआ है पूरे शहर में। यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको अपना मार्ग दिखाने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए, ये लगभग बताया जाता है कि 2.5 से 3 लाख के आसपास जो है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है जो सुबह से लेके रात के 12-2 बजे तक जो है वो लोग आते जाते रहते हैं। तो इसके लिए व्यवस्थाएँ लगाई गई हैं। सारी पुलिस व्यवस्था जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से हर जगह पे, हर पॉइंट पे डाइवर्जन पॉइंट हो, स्टॉपर्स हो, लोगों को समझाने के लिए कि भाई यहाँ से आपको इधर से जाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए व्यवस्था लगाई गई है। मेला में कहीं पे चोरी चकारी ना हो, कहीं पे किसी के साथ अनहोनी घटना ना घटे, इसलिए भी अलग से फोर्स लगाया गया है और बाकी फिर गर्भगृह से लेकर हर जगह पर हमारी पुलिस व्यवस्था।